शुरू करें। आज का हम लोग का टॉपिक है भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे बारी बारी से। जिसका नाम है उसी को आना है। सबसे पहला नाम है अमन कुमार पचफड़वा, वो आएंगे और अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। आइए जल्दी से एक आप लीजिए। हाँ चलिए बताइए, विश्व में सबसे पहले संविधान बनाने का विचार किसने दिया था? सर हेनरी मैन। और थोड़ा ऊपर कर लो। सर हेनरी मैन। कहाँ का थे? इंग्लैंड। इंग्लैंड। विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है? इंग्लैंड का। इंग्लैंड का। विश्व का सबसे कठोर संविधान? यूएसए। भारत में सबसे पहले संविधान बनाने की मांग कब किया गया? 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कौन विधेयक? स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग किए थे। विश्व का सबसे नया लिखित संविधान किस देश का है? क्यूबा। विश्व का सबसे नया? क्यूबा। कब बना था? अप्रैल 2019। द एकेडमी संस्था एथेंस में किसने स्थापित किया? प्लेटो। प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखा था? द रिपब्लिक। प्लेटो का गुरु? प्लेटो का गुरु हाँ सुकरात। सुकरात। और अरस्तु का गुरु? अरस्तु का गुरु प्लेटो। राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को। डब्ल्यू सी गवर्नर के अनुसार राज्य के कितने तत्व हैं? तीन। चार। चार। कौन कौन? निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, निश्चित सरकार होना चाहिए, और संप्रभुता। संप्रभुता होनी चाहिए। हाँ चार तत्व हैं, जनसंख्या हो, क्षेत्रफल हो, सरकार हो और संप्रभुता हो। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? यूएसए। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 जनवरी। 26 जनवरी। 26 नवंबर। 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस? क्योंकि 1930 से ही मना 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी वाला हम नहीं पूछ रहे हैं, संविधान बनकर तैयार हो गया था। हाँ 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। बताइए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य? तीन। अब गोलू का बारी है, जिसको हम इशारा करेंगे नाम के अनुसार वो आ जाएंगे इधर, ठीक है? हाँ चलिए बताइए, संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? बीएन राव बेनेकर। चलिए बहुत अच्छा। हाँ चलिए गोलू जी आप बताइए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? और इधर आ जाओ और इधर। हाँ 24 मार्च 1946। 1946। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तीन सदस्य। कैबिनेट मिशन क्या करने आया था भारत? भारत में संविधान बनाने आया था। संविधान बनाने। कैबिनेट मिशन के अनुसार जो संविधान सभा बना, उस संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे? 389। 389। 389 को तीन हिस्सों में बांटा गया था। हाँ कहाँ कहाँ कितना कितना सीट दिया गया था आराम से बताना नहीं है, यहाँ बताएंगे। ब्रिटेन में नहीं, ब्रिटिश प्रांत में 292 को। हाँ और चार कमिश्नर, चीफ कमिश्नर और देसी रियासत 73। 292 ब्रिटिश प्रांत से, जहां अंग्रेजों का क्षेत्र था, अंग्रेजी प्रांत था, वहां से चार चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, और 93 देसी रियासत से। वह कौन सा देसी रियासत था जो संविधान सभा में एक भी प्रतिनिधि नहीं भेजा? हैदराबाद। वह कौन सा देसी रियासत था जहां से सबसे अधिक प्रतिनिधि आए थे? मैसूर। मैसूर बहुत अच्छा। मैसूर से कितने आए थे? सात। सात आए थे बहुत अच्छा। चलिए बताइए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बच गए थे? 299। 299 बहुत अच्छा। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के प्रथम बैठक का अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान? भारत का।
द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। अरस्तु। संविधान बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया? सर हेनरी मैन। अच्छा, विश्व का सबसे नया लिखित संविधान? क्यूबा का। और बताइए, मानवेंद्र नाथ राय ने कब संविधान बनाने की मांग किया था? चलो आओ जल्दी से यहाँ पे। 1937 में नहीं किया था मानवेंद्र नाथ राय? 1934। चलिए बताइए, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? मोनाको। बहुत अच्छा, जाइए। तुम्हारा कहाँ है? हाँ, चलो आओ जल्दी। हाँ, प्रीति कुमारी सुनगढ़वा, यहाँ आओ और इधर देखो, इधर उधर देखना है। हाँ बताओ, भारत में सबसे पहले संविधान बनाने की मांग किसने किया? 1895 में बाल गंगाधर तिलक। विधेयक का नाम भी बता दो। स्वराज विधेयक। अच्छा, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के अंतिम बैठक में कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? 284। 284 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान बनने में कितना समय लगता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं चुनी गई थी? 15। बिहार से किस महिला को चुना गया था? सरोजनी नायडू को। ठीक है, संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अच्छा, जब तक संसद बनकर तैयार नहीं हुआ 1952 से पहले, यानी कि 1952 में संसद बनकर तैयार हो गया, उसके पहले संसद की तरह कौन कार्य कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, संविधान सभा जी। अच्छा बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को। अच्छा, सच्चिदानंद सिन्हा कब अध्यक्ष बने थे? 9 दिसंबर 1946। सच्चिदानंद सिन्हा किस राज्य से थे, बता सकते हैं? बिहार। हाँ बताइए, प्रथम बैठक में कुल कितने लोग थे? 211। अच्छा, प्रथम बैठक के दौरान कौन से दल ने विरोध किया था? अखिल किसका नाम है? आइए, मुस्लिम लीग। अच्छा बताइए, संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया है? बेनेगल नरसिंह राव। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य? 3। चलिए बहुत अच्छा। आओ अखिल कुमार, बताइए, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। और संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, अस्थाई थे कि अस्थाई? संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? मतलब जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था ना जी, तो कौन कब संपन्न हुआ? संपन्न 22 जुलाई 1947। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद बैठक बुलाया गया, तो 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ। घबराइए नहीं, कांप रहे हैं महाराज, क्यों कांप रहे हैं? पहली बार आपका आईडी कार्ड है ना? चलिए बहुत अच्छा, तो ऐसे दिखाइए। हाँ, कांप रहे हैं। बताइए, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य? कैबिनेट मिशन हमसे बड़ा है ना, लेकिन डरा रहा है तो। कैबिनेट मिशन में हाँ, तीन सदस्य कौन कौन? एवी एक लेजेंडर। हाँ, और स्टेफोर्ड क्रिप और एक पैथिक लॉरेंस। अच्छा बताइए, तीनों में अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पैथिक लॉरेंस। कौन मंत्री था जी? भारत मंत्री। बहुत अच्छा। अच्छा, कौन प्रधानमंत्री भेजा था गठन करके? क्लीमेंट हेटली।
क्लिमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन का गठन किया था। कैबिनेट मिशन क्यों आया था? संविधान बनाने के लिए। अच्छा बताइए, लिखित संविधान किसे कहते हैं, बता सकते हैं? जी हाँ बताइए। वैसा संविधान जिसमें संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा चुना गया हो, बनाया गया हो, संविधान सभा द्वारा लिखा गया, लिखा गया हो। किसको कहा लाख लोग फेंके हैं पीटने के लिए? अच्छा लाइव मैंने जैसे चल रहा है इसी में पीट देते हैं ना, मुझे शोभा नहीं देगा, शोभा नहीं देगा। चलो इसको रख देते हैं। बताओ सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का? मोनाको का। और सबसे बड़ा लिखित संविधान? भारत का। भारत का। सबसे पहला लिखित संविधान? अमेरिका का। अच्छा भारत का संविधान लचीला है कि कठोर है? लचीला और कठोर दोनों है। दोनों का मिश्रण है ना। लचीला संविधान किसे कहते हैं? लचीला संविधान किसे कहते हैं? वैसा संविधान जो संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया। लचीला संविधान वैसा संविधान जिसके नियम कानून को आसानी से बदला जा सके। बदला जा सके। विश्व का सबसे लचीला संविधान? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का। चलिए बैठ जाइए, बहुत अच्छा। आओ सपना कुमारी बताओ तो फादर ऑफ पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? आओ इधर थोड़ा और इधर इधर घूम जाओ। अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु के शिष्य कौन था? सिकंदर महान। सिकंदर महान। अरस्तु के गुरु कौन था? प्लेटो। प्लेटो। अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखा? अरस्तु द रिपब्लिक, द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स। थोड़ा और ऊपर करके बोलना, ठीक है? हाँ सुनाई देगा नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान? सबसे बड़ा भारत का। पॉलिटी ये जो राजनीति है, राजनीति का विकास किस देश में हुआ? यूनान। यूनान में हुआ। सबसे पहले राजतंत्र की आलोचना किसने किया था? सुकरात ने। सुकरात ने। सुकरात ने ही कहा था कि राजा कल्याणकारी नहीं है, राजा पापी है, राजा अत्याचारी है। राजतंत्र की आलोचना किया और सुकरात के बातों को सुना प्लेटो। प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखा? द रिपब्लिक। द रिपब्लिक। द रिपब्लिक जो पुस्तक लिखा वो छप गया, लोगों के सामने गया, लोग पढ़ नहीं पाए तो उसको समझाने की एक संस्था बनाया था। संस्था का नाम बताओ। प्लेटो ने जो संस्था बनाया था उस संस्था का क्या नाम था? द एकेडमी। आयुष एकेडमी नहीं, द एकेडमी। और द एकेडमी कहाँ बना था? एथेंस में। चलिए बताइए बाबू और बताइए, अंग्रेजों ने पहली बार कब स्वीकार किया कि भारतीय संविधान बनना चाहिए, यानी कि बनेगा? 1940। कौन से प्रस्ताव में? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। अच्छा 1942 में एक और प्रस्ताव आया था, क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव, बिल्कुल सही जवाब है। भारत जब स्वतंत्र हुआ, भारत का जब विभाजन हुआ तो संविधान सभा में कितने सदस्य बच गए विभाजन के बाद? हाँ 299। 299 में से कितने सदस्य देशी रियासत से और कितने सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे? देशी रियासत से 296 में से 299 और 90 में से 73। 90 में से 70 नहीं 93 में से 70। 93 में से 70 देशी रियासत से। हाँ प्रांत से 296 में से 299। 299 नहीं 229। हम 99 लिखे हैं कहाँ? 296 से 99 था जी। भारतीय प्रांत 296 से 299 कैसे हो जाएगा, घटेगा तो वो 29 होगा। तो गलत है, गलत टाइपिंग हो गया, 229 है। 296 में से जब घटेगा तो 299 कैसे होगा, ये तो सोचने वाली बात है ना। आप लोग पढ़े दो किए हैं, एक बार हमसे नहीं डिस्कस किए हैं कि सर जी इससे कैसे है। चलिए बताइए संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। अच्छा 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुआ तो अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई की अस्थाई? अस्थाई। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे कि
राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया? 24 जनवरी को जो अंतिम बैठक हुआ था 1950 में, उसमें कितना लोग हिस्सा लिया था? 284। ठीक है, पुष्पांजलि कुमारी पछेड़वा अपना सीट ग्रहण करे आकर। हाँ, और बताइए हमको, लास्ट सवाल बता दीजिए, विश्व के संविधान की जननी किस देश के संविधान को कहते हैं? ब्रिटेन। ब्रिटेन, चलो बहुत अच्छा। आओ पुष्पांजलि। हाँ आओ, निखंडरात्र। हाँ चलो, द पॉलिटिक्स पुस्तक कौन लिखा है? सर हेनरी मैंने लिखा है। नहीं, एकला। अच्छा, एकला छोड़े हैं, किधर से पूछे बताओ। विश्व का सबसे छोटा संविधान? मोनाको का। चलिए ठीक है, एकला छोटा है इधर। अच्छा, इधर पूछ ले संविधान सभा वाला। चलो, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम बैठक 6 दिसंबर 9 दिसंबर को, 6 दिसंबर को गठन हुआ था, 9 दिसंबर को ना प्रथम बैठक हुआ। अच्छा बताइए, संविधान सभा जब बना, संविधान सभा कैबिनेट मिशन आया, संविधान सभा बनाया, तो टोटल कितने सदस्यों को चुना कि इतना लोग मिलकर संविधान बनाएगा? 300। हाँ बोलो, 300। डरा कह रही हो, पहले बताओ ना, डरना नहीं है। कैबिनेट मिशन जो संविधान बनाने के लिए आया था, उसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। उसका अध्यक्ष का नाम पता है? पैथिक लॉरेंस। यहाँ आने के बाद जानते हो बबुआ, यहाँ आने के बाद ना नील बट्टा सन्नाटा हो जाता है। यहाँ आने के बाद और सामने कैमरा लगा है तो आधा तो ऐसा ही भूला जाता, आधा छोड़ दो 90% भूला जाता है, और यहाँ आकर रिलैक्स जब हो जाते हैं ना, तब जाकर लगता है नहीं तो सब याद है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946। हल्ला नहीं करिए, हल्ला नहीं करिए, सबका बारी है, जो हल्ला करेगा बोलेगा उसी को बुला देंगे। चलिए लास्ट बताकर हमको जाइए, इसके बाद कौन है जी? जानवी आओ अपने जगह में, आओ जल्दी। प्रथम बैठक के दौरान कितना लोग हिस्सा लिया था? 9 दिसंबर को जब बैठक हुआ, पहला बैठक हुआ, तो 389 में से कितना लोग आया था? 211 लोग आया था। चलो बहुत अच्छा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कम से कम यहाँ आकर हिम्मत तो दिखाइए, कोई जरूरी नहीं है कि आकर सब बता दे, यहाँ आने के बाद खड़ा होकर बता दे, ये सबसे बड़ी बात है। और 10 बार अगर हम यहाँ पूछ देना, हेजिटेशन दूर हो जाएगा, आप डरिएगा नहीं। नहीं डर रही हो, इधर आओ, डर रहे हैं, इधर घूमो, एक को नहीं डरना है। बताओ, अंग्रेजों ने सबसे पहले संविधान बनाने के लिए स्वीकार कब किया कि अब संविधान बना देंगे? 1940। कौन से प्रस्ताव में? विश्व का सबसे नया संविधान किस देश का है? और सबसे छोटा? मोनाको। और सबसे बड़ा? भारत। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का बनाया गया? अमेरिका। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक? अरस्तु। अरस्तु। अब बताइए हमको, विश्व भारत में, भारत में सबसे पहले संविधान बनाने की मांग किसने किया? कब? स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक के माध्यम से कब? 1895 में। अच्छा, तो आप तो बता सकते हैं, मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान बनाने की औपचारिक मांग कब किया? 1934। संविधान बनाने का विचार विश्व में सबसे पहले किसने दिया? सर हेनरी मैन। इंग्लैंड के थे ना जी? और इंग्लैंड का जब संविधान बन गया तो विश्व के संविधान की जननी, उसी को देखा देखी सब कोई बनाया। चलिए बताइए, विश्व का सबसे कठोर संविधान? यूएस। सबसे लचीला? ब्रिटेन। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का गठन किसने किया था?
क्लीमेंट एटली संविधान सभा को बना, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को। और उपाध्यक्ष? हरेंद्र कुमार मुखर्जी को, टीटी कृष्णामाचारी को। बेनेगल नरसिंह राव को क्या बनाया गया था? संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। बताइए जो 389 सदस्य चुना जाना तय था संविधान सभा में, वो 389 सदस्यों को कहां कहां से चुना जाना तय था? ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत से। कितना? 292। चार चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 देसी रियासत से। चीफ कमिश्नरी का नाम बता सकते हैं? अजमेर, बलूचिस्तान, खुर्द आदि। चलिए बहुत अच्छा, चाहिए। हाँ, आराम से। क्या नाम है? माय नेम इज रणसम कुमार। इंग्लिश में बोला है जी? माय नेम इज रणसम कुमार। कहाँ घर है? बिलोंग फ्रॉम पचपड़वा। बिलोंग फ्रॉम पचपड़वा, बताया बड़ा ना। हाँ चलो देखिए, बहुत अच्छा ही लड़का है, सब याद होगा हमको लगता है ना जी। बताओ कौन सा देसी रियासत था जो एक भी प्रतिनिधि नहीं भेजा था? सर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, सर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए एकदम आसान सवाल बताइए, राजनीतिक शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को। अरस्तु को। अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखा था? पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स। अच्छा आप बता सकते हैं राजनीति का विकास किस देश में हुआ था? राजनीति का विकास किस देश में हुआ था? ब्रिटेन। ब्रिटेन नहीं, यूनान में हुआ था। अब बताइए विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका का। कठोर क्यों कहते हैं? अमेरिका के संविधान को कठोर कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके जो नियम कानून है आसानी से नहीं, बड़ी माने तामझाम के बाद, बड़ी प्रक्रिया के बाद बदला जाता है। बताइए भारत में सबसे पहले संविधान बनाने की मांग किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। उसको भेजो आ, बाल गंगाधर तिलक। कब? 1895 को। कौन से विधेयक के माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से। प्रथम बैठक कब हुआ था संविधान सभा का? दिल्ली में। दिल्ली में मैंने कब हुआ था प्रथम बैठक? हाँ 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946। चलिए बहुत अच्छा, आओ उषा कुमारी जरार, तब पिंकी कुमारी सोनगढ़वा। अच्छा वो तो लिखा गया है, वो तो इबे नहीं की है, आइए जी। अच्छा आई है लेकिन कर ये क्लास छूटा हुआ है बहुत के। आओ और इधर आओ और इधर देखो कैमरा में, बताओ कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस भारत मंत्री थे। हाँ। एबी अलेक्जेंडर नेवी मंत्री थे। स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री थे। इसमें अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन योजना का विशेषता बताओ? भारतीय संविधान का निर्माण करना। संविधान का निर्माण करना, और जो संविधान का निर्माण करेंगे वो कौन करेंगे? कैबिनेट मिशन के सदस्य। कैबिनेट मिशन के सदस्य की संविधान सभा के सदस्य? वही सदस्य। संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389। 389 सदस्य।
अच्छा एक प्रतिनिधि कितना जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा? 10 लाख। 10 लाख। चुनाव कब संपन्न हुआ? जुलाई अगस्त 1946। अच्छा इस चुनाव में जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था इसमें कांग्रेस कितना सीट जीता? 208। और मुस्लिम लीग? 73। 73। मैसूर देसी रियासत कितना प्रतिनिधि भेजा? 7। कौन देसी रियासत था जो भेजा नहीं? हैदराबाद। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। और 15 महिलाओं में से बिहार से किसे चुना गया? सरोजिनी नायडू। प्रथम बैठक कब हुआ था संविधान सभा का? 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में। दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद। प्रथम बैठक के दौरान कितना लोग हिस्सा लिए थे? 211। टोटल कितने बैठक हुआ? संविधान सभा का कुल बैठकों की संख्या कितनी थी? 11। कितना दिन तक बहस हुआ? 114। अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक में कितना लोग हिस्सा लिया? 284। 284। एकदम क्वेश्चन का धजिया उड़ा कर रख दे रहे कि नहीं? 284। और अंतिम बैठक के दौरान जो 24 जनवरी को हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया। बताओ चार वो देसी रियासत कौन है? अजीत देसी रियासत। चार वो देसी रियासत, चार वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चार चीफ कमिश्नरी के नाम बताओ। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्द, दिल्ली। चलिए बहुत अच्छा, जाइए चलो। खूब बताइए, इसी का फोटो थंबनेल में डालेंगे कि लड़की ने क्वेश्चन का धजिया उड़ा कर रख दी। हाँ चलिए, ब्रेकिंग न्यूज बताइए। संविधान विश्व में संविधान बनाने का विचार किसने दिया? सर हेनरी मैन। पॉलिटिक्स का विकास किस देश में हुआ? ईरान। यूनान किस महादेश में है? यूनान किस महादेश में है? यूनान की वर्तमान नाम जानते हैं, पहले यूनान था, अब है ग्रीस। ग्रीस की राजधानी है एथेंस, यूरोप महादेश में, ठीक है। चलिए बताइए सुकरात का गुरु कौन था? सुकरात का गुरु तो है नहीं, सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखा? द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स। और बताओ द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। विश्व में सबसे पहले संविधान किस देश ने बनाया? अमेरिका। उत्लिखित बनाया ना, विश्व में सबसे पहले? इंग्लैंड। इंग्लैंड। संविधान बनाने का विचार हेनरी मैन वही के थे जो दिए थे। बताइए राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया, स्वीकार किया? 24 जुलाई। 22 जुलाई 1947। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? हाँ यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है प्रारूप समिति 29 दिसंबर। 29 दिसंबर नहीं, 29 अगस्त। 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का क्या कहते हैं अध्यक्ष को किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान का जनक भी कहलाते हैं ना। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1947। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946। अनिकेत को भेजो। बेनेगल नरसिंह राव को क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार। चलो जाओ, चलो आओ अनिकेत। अनिकेत कुमार नरकटिया दोन। दोन के लड़का पढ़ने में बड़ी तेज होता है जी। आओ जाओ। नहीं पढ़ने में तेज होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है। अपने आप को कम आंकना नहीं। अरे यहाँ खड़ा हो जाओ ठीक से। जानते हो कैसे चल रहा है कबो कबो? नहीं बताएंगे, छोड़ो, बाद में बताएंगे। ऑफ कैमरा बताएंगे, ऑन कैमरा नहीं बताएंगे। बढ़िया से सिस्टम से रहो। नाच लग रहा है जिसे नाच में निकला है। चलो
बताओ तो संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य है? 389। हाँ, कैबिनेट मिशन में कितना सदस्य है? 243। भाई सही से बताओ। दूसरा पूछे, दूसरा पूछे हैं। बताओ संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? प्रियंका कुमारी नरकटिया 1926। अभी टाइम लगेगा, जनवरी 1926। पहले का बैठक पूछे है ना, 9 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक में कौन अध्यक्ष बना? सचिदानंद सिन्हा। चलो बहुत अच्छा है, बता तो रहा है सब। बताओ विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का? मोनाको। और सबसे बड़ा लिखित संविधान? भारत। भारत में किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? किसने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? महात्मा महात्मा गांधी। कब? 1922 में। 1922 में मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान बनाने की मांग कब किया था? 1934। हो गया सर। कितने में जी? बताओ कौन सा देसी रियासत था? निकलेगी अब तब ना, बताइए। निकल के यहाँ आएगी तब ना आपको जाने का मौका मिलेगा। वो भी नहीं करेगी तो और कुछ ही होगा। अगर आपको लगता होगा कि सामने वाला वो जल्दी भगाए थनियके पूछना है तो उसके पीछे वाला आकर खड़ा हो जाए। हाँ बताइए कौन सा देसी रियासत था जो एक भी प्रतिनिधि नहीं भेजा? हैदराबाद। हैदराबाद, चलो बहुत अच्छा। आ जाओ यूएन और कटिया दौड़ के इधर आओ, उधर जारी वाला। हाँ एकदम शुरू वाला पूछेंगे। देखिए बाबू, दोन एक ऐसा क्षेत्र है वहां नेटवर्क सही चलता है। यूट्यूब में अगर कोई देखना हो, क्लास देखना हो तो नहीं चलेगा, लेकिन इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के बाद भी वहां से लड़का टॉपर रहता है। हमारे 12th क्लास में लगभग लगभग 2 से 3-4 को टॉपर है कि नहीं है? है ना, पोस्टरों में नहीं देखे हैं 400-400 नंबर से ज्यादा लाया सब। चलिए बताइए तुमको, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक, द रिपब्लिक प्लेटो, प्लेटो किसका शिष्य था? सुकरात का। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक, अरस्तु। फादर ऑफ पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? राजनीतिक शास्त्र के जनक, अरस्तु। बताओ राजनीति का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ? काम रही है ना, तो हिला रही है, डर लग रहा है जी। अपना डराइएगा कैसे काम चलेगा? बताओ राजनीति का विकास किस देश में हुआ? नीतू कुमारी तुम भी हो नरकटिया के, आओ बोलती। यूनान में हुआ। बताओ विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? किस देश का सबसे बड़ा? हाँ सबसे बड़ा भारत। सबसे छोटा? मोनाको। मोनाको। हाँ संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? 18। संविधान सभा का प्रथम बैठक बताओ? 9 दिसंबर 1946। जाओ ऐसे कांप रही है ना जैसे गिर जाएगी, आई पूरा हिल रहा है नीचे, डरा रही है। आओ यहाँ पे, हाँ इधर चलो। बताओ संविधान सभा, संविधान बनाने के लिए जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें कितने सदस्य थे? 3। कौन गठन किया था संविधान, क्या कहते हैं, हाँ क्लिमेटेटली। अच्छा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। कौन मंत्री थे? भारत मंत्री। संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया?
संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव को थोड़ा ऊपर कर लो, इसको नहीं सुनाई देगा। हाँ अब बताओ प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया है? प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया है? भीमराव अंबेडकर किए हैं? नहीं, सही बताओ। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सामने प्रस्तावना दिए थे, कौन दिए थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए बताइए तो अंग्रेजों ने किस प्रस्ताव में पहली बार स्वीकार किया कि भारतीय संविधान बनेगा? अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया कि 42 में लाया गया कि 1946 में लाया गया, कब लाया गया? अगस्त प्रस्ताव 1942 1940। अनीता कुमारी रेडी रहो आकर, यहाँ किसका बारी है? अनीता, जिसका जिसका बारी रहेगा वो आकर यहाँ खड़ा रहो ना, लोगों को बुलाना पड़ रहा है। चलो एक जना जिसे यहाँ बुला लिए, एक आदमी को यहाँ बुला लिए, दूसरा यहाँ आकर खड़ा हो जाए। हाँ चलिए बताइए संविधान बनाने में समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 बनकर तैयार हो गया। चलिए ठीक है, अब तैयार होने के बाद ही लागू करवाएगी। आओ इधर और इधर आ जाओ, हाँ सामने बताओ संविधान कब लागू हुआ? 6 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तुम्हारा जो नाम है ना लिखवाई है कृति, अगर तुमको कुछ होगा ना तो झगड़ना है कृति से, उहे बोल के लिखवाई है कि अनीता जी भी है, पढ़ने में तेज है। बताओ प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया? ऊपर कर लो माइक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, माइक ऊपर करो। तो पहले डरा रही है, कहाँ पर रही है सब? बताओ प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। देख रहे कहाँ पर रही है ना, कहाँ कह रही हो, डरा रही हो, खा लेगा सब भाई लोग। विश्व का सबसे नया संविधान? नहीं, क्यूबा। क्यूबा। सबसे बड़ा लिखित संविधान? अमेरिका। सबसे बड़ा अमेरिका का है जी? नहीं, लिखित भारत। भारत। और सबसे छोटा? सबसे छोटा ब्रिटेन। ब्रिटेन। सबसे छोटा मोनाको का न है? अच्छा भुला गई का जी आके। बताओ राजनीति का विकास किस देश में हुआ? यूनान में। राजनीतिक शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? राजनीति शास्त्र। अरस्तु। जाओ आओ, अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखा? यहाँ जाओ, द पॉलिटिक्स है, घुमा है, नहीं द पॉलिटिक्स। विश्व का पहला लिखित संविधान? पहला अमेरिका। अमेरिका। थोड़ा ऊपर करो। हाँ सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखा? द रिपब्लिक। द रिपब्लिक। कौन सी संस्था बनाया? द एकेडमी। किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? महात्मा गांधी। कब? 1922। कौन से पत्रिका में? यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका लिखाया है। मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान बनाने की मांग कब की है? 1934 में। विश्व का सबसे नया संविधान? क्यूबा। अच्छा WC गार्नर ने राज्य के कितने तत्वों को बताया? 4। कौन कौन? एक निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, सरकार संप्रभुता। सरकार संप्रभुता। हाँ अब इधर आते हैं, बताइए प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया? कब प्रस्तुत किए? 13 दिसंबर 1946 को। किसके सामने? संविधान सभा। संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब स्वीकार किया?
22 जनवरी 1947 संविधान संविधान बनाने के लिए जो कैबिनेट मिशन आया था कब आया था? 24 मार्च कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में टोटल 389 देसी रियासत से कितने? 93 तो इसका कहाँ है थी? बताइए अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 टोटल बनने में कितना समय लगा था संविधान बनने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हाँ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन चलो हाँ बताए पूछे आ जाओ और इधर आ जाओ। अंत है जी सबसे लास्ट में, इसके बाद जो आगे पढ़ाएंगे जो बच्चा है उससे पूछेंगे, जो इस बार आ गया वो नहीं बताएगा, अगला बार जो नहीं आया है वो बताएगा लोग। और यहाँ आने के बाद कितना मतलब अजीब लगता होगा, वो आया है वही जानता है। मजा आया था देखो उसको, मजा आया था। यहाँ का पसीना कहाँ जा रहा था वो जानता था। डर नहीं रही हो? हाँ कहाँ घर है तुम्हारा? हथुआनवा हाई साइड है काजी जिमरी हथुआनवा जिमरी नाता नौशका बाद जिमरी के बाद जिमरी के बाद हथुआनवा पड़ता है। और हथुआनवा भेड़िहारी उधर है जी। एक बार हम लोग मैच खेलने गए थे हथुआनवा को, हम लोग खेल रहे थे एक फाइनल हार गए थे। हाँ अल्लाह मत कीजिए बाबू, लास्ट है छुट्टी हो जाएगी इसके बाद। बताइए कैबिनेट मिशन का गठन किसने किया था? एटली लेबर पार्टी से थे ना जी, कब गठन किए थे मैंने कब भेजे थे कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1947 हाँ। प्रथम बैठक संविधान सभा कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 कहाँ हुआ? किस दल ने प्रथम बैठक का बहिष्कार किया? मुस्लिम दल ने पाकिस्तान की मांग किया जी। लगला झोरी पट्टी सरिया है हाँ। प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य? 211 सदस्य। और अंतिम बैठक में कुल कितने सदस्य? अंतिम बैठक में 284 अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक के दौरान ही राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय ध्वज अभी रहना है, झोरी पट्टी मत सरियाओ, छुट्टी नहीं होने वाला अभी, अभी और प्रोग्राम चलेगा। देसी रियासत से कितने सदस्य आए थे संविधान सभा में? संविधान सभा में 92 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 ब्रिटिश प्रांत से 192 अच्छा बताइए विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान? सबसे छोटा अमेरिका नहीं मोनाको और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत। सबसे कठोर संविधान अमेरिका और सबसे लचीला ब्रिटेन। और पॉलिटिक्स के फादर किसे कहते हैं? पॉलिटिक्स के फादर अरस्तु। हाँ अरस्तु। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोग आने के बाद, ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद।